हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 9, सदाचार। सबसे पहले हम देखते हैं कि सदाचार का मतलब क्या है। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर कई तरह के काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज के कुछ नियम होते हैं, तो इन नियमों के अनुकूल ही किया गया कार्य क्या कहलाता है? सदाचार। जैसे गुरुजनों का आदर करना, मधुर वचन बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना आदि। तो जो व्यक्ति ये इस तरह से व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? सदाचारी। सदाचार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस आचार। इसमें सत का मतलब है अच्छा और आचार का मतलब है व्यवहार। यानी सदाचार का क्या मतलब हुआ? अच्छा व्यवहार। और अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए व्यक्ति का ईमानदार होना आवश्यक है। और जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वो दूसरों के प्रति भी ईमानदार होता है। चाहे वह है सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, वह व्यक्ति सबके लिए ईमानदार होता है। सदाचारी व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी से सम्मान और आनंद मिलता है। और दूसरी तरफ जो बेईमान होता है, वह चाहे कितना भी धनी हो, वह उसे सम्मान और आनंद नहीं मिलता। सदाचारी व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, और सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत यानी संकल्प लेता है वो सदाचारी कहलाता है। और सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति सदाचारी होगा वो अनुशासित भी होगा। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हम अपना कार्य भी समय पर पूरा करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो सदाचार ही सफलता का मार्ग है। और अच्छे व्यवहार के कारण हमारे कठिन काम भी आसानी से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट करता है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति सदाचारी होगा उसमें वो कठिनाइयों से घबराएगा नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, मुसीबत आए, वो उसका धैर्य से सामना करेगा। तो उसमें एक सहन करने की असीम शक्ति होगी। और जिसमें ये शक्ति होती है वो ही क्या कहलाते हैं? महापुरुष कहलाते हैं। महान पुरुष ही हमारे क्या होते हैं? आदर्श। यानी हम उनके ही आदर्शों पर चलते हैं। जैसा वे कार्य करते हैं वैसा ही हम लोग भी करते हैं। उनका सदव्यवहार यानी उनका अच्छा व्यवहार ही हमारे लिए अनुकरणीय होता है। यानी जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हम लोग भी सीखते हैं। तो हमें हमेशा सदव्यवहार करना चाहिए। और सदव्यवहार ही वास्तव में क्या है? सदाचार है। हमें भी अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। हमेशा विनम्र रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ भी हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हम लोग आगे सफल हो सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। थैंक यू।